आप लेन देन करने वाला के करने वाले से अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। आपने एक दिन भी पाकिस्तान को सूदी निजाम से पाक करने के लिए कोई बात की? अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है, ये कुरान है। आपने इस अमर बिल मारूफ की बात की है, आपकी जब हुकूमत खत्म हो रही है तो कह रहे हैं कि जो लोग आपका साथ देंगे वो अमर बिल मारूफ पे है, जो लोग आपका साथ नहीं देंगे वो सीधे रस्ते पे नहीं है। ये और इस डेफिनेशन के तो आप बेच रहे हैं नौजवानों को, और वो नौजवान जो है वो अल्लाह अकबर जो बातें कर रहे हैं, जो सिलसिला कर रहे हैं, पासपोर्ट फाड़ रहे हैं और इदारों को और उनके सरबराहों के लिए जो टॉप ट्रेंड्स चला रहे हैं, यही सरबराह जब सबके सरों को, ये इदारे जब सबके सरों को कुचल कर आपको जाली हुक्मरानी दे रहे थे, तो आप बड़े शादियाने बजा रहे थे उनके, आप बड़ी हंसस के तस्वीरें खिंचवा रहे थे उनके साथ। और आज जो है वो यही इदारे जब उन्होंने आपको बचाते 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 आज जब वो बिल्कुल अपने इदारों को उन्होंने अपने बचाने की ठान ली कि भाई अब अगर मजीद आपका साथ दिया जाएगा गलत चीजों पे तो उनके इदारों की जो तजलील हो चुकी है अब यहां से फिर वापसी नहीं होगी, उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन और कानून और आइन का साथ देने का जैसे ही इरादा कर लिया, तो आप जो है वो आज ये वाली बातें करें तो पता चल गया कि आपकी सारी सुनामी, आपकी सारी तब्दीली, आपका सारा कुछ, ये जो 22-25 सालों का सारा ड्रामा था और आपकी हुकूमत एक पोस्टिंग की मार थी, टोटल एक पोस्टिंग, एक ट्रांसफर पोस्टिंग की मार थी, एक ट्रांसफर पोस्टिंग से आप धड़ करके जो है वो मुंह के बल नीचे गिर गए, इतनी सी औकात थी आपकी। मैं मजबूरन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को और उनके उसके नौजवानों को गलत रास्ते की तरफ लेकर जाया जा रहा है ना। हमने पहले दिन से यह बात की थी कि भाई इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ मुंह से फायर कर रहे हैं फ्रेंडली, और उन्होंने जरदारी साहब